प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है। बोलिए। ईश्वर साक्षात्कार श्रेष्ठ या ईश्वर से मिलन, इस संदर्भ में जरा आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। देखिए, पहले तो अपने को भक्ति की बात करना चाहिए, योग से हो चाहे ज्ञान से हो। स्मरण निरंतर करना चाहिए, और हो सके तो अपने विकार, स्वयं कट विकार हैं, इनको हटाना चाहिए। सत्य मार्ग और सत्कर्म में चलना चाहिए। मेरे ईश्वर का तो किसी आदमी को कूड़ा कट में कचरा में बैठाने कैसे बैठ जाए, वो नहीं बैठ सकता है और ना सकता है वहाँ पर। इसलिए जब तक मन में निर्मलता नहीं आ जाती, तब तक ईश्वर में कोई बात हो नहीं सकती है। आज दुस्तर कठिन है ईश्वर का मिलना। ईश्वर से कुछ तो मिल जाता है, पर ईश्वर का मिलना अत्यंत कठिन और दुस्तर, क्योंकि कुछ त्याग से कुछ मिल जाता है और ईश्वर में लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तो हम कुछ तो त्याग कर, कुछ नहीं कर पाते, कुछ मिल जाए, सब कुछ त्याग कहाँ करते। यह जन निश्चय मानने चाहिए कि ईश्वर की मिलने की तमन्ना, यानी उसको दिन रात केवल उसके ईश्वर के दरबार, उसके समक्ष सामने कुछ भी न रहना चाहिए। और जब कुछ न शेष में रहेगा तो ईश्वर परमात्मा रहेगा, और दिन रात उसकी याद में विकलता में बिकल रहेगा, बेचैन रहेगा, रोता रहेगा मिलने के लिए। तब कभी प्रभु कृपा करेंगे तो मिलन हो सकता है, पर उसकी ये शर्त है, विनय प्रेम, बस विनय हो और प्रेम हो। इस तरह से जब जीवन की दिनचर्या हो जाएगी कि हम ईश्वर के अलावा संसार में कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं पाना चाहते, कुछ नहीं लेना चाहते, यश कीर्ति वैभव संसार माया घर परिवार सबका परित्याग कर दे, केवल जब ईश्वर शेष में रह जाता है और दिन रात उसकी याद में डूबा कोई साधक, दिन रात याद में डूबा साधक रहता है, तब कभी ये बात सोची जा सकती है कि ईश्वर का मिलन हो, हुआ है, होता है, होता रहेगा। पर उसके लिए वजूहात होते हैं, और जब ऐसा मिलेगा नर में पूरी मन निर्मल हो जाएगा तो ईश्वर को पाया जा सकता है।